ऐसे कहो जैसा कि तुम इस पर यकीन रखते हो। दिन 29 मार्च 2022। अकीदे के एलानात। मैं ऐलान करता हूँ कि खुदा मेरी भलाई के लिए सब कुछ मिलकर काम कर रहा है। इसके पास मेरी ज़िंदगी का मास्टर प्लान है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं अभी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तमाम टुकड़े अभी तक यहाँ नहीं हैं। ये सब मेरी भलाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि खुदा मुझसे प्यार करता है और मुझे इसके मकसद के मुताबिक बुलाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि खुदा का हैरत अंगेज़ मनसूबा मुझे ऐसी जगहों पर ले जा रहा है जिनके बारे मैंने कभी सोचा भी ना था। ये मेरा ऐलान है। खुदाई सेहत के इतराफात। मैं कभी ताकत के बगैर नहीं हूँ, क्योंकि ताकत देने वाला रूहुल कुदुस मुझ में है। वो मेरे जिस्म की खिदमत करता है और मुझे सेहत, ताकत और जोश में तवानाई बख्शता है। मेरी ज़िंदगी में कमज़ोरी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रूहुल कुदुस मुझ में बसता है। मैं अंदर से ताकत के साथ बाख्तियार हूँ, लिहाजा मैं हर शुमार और हर चीज़ में फतेहमंद हूँ। आमीन। मैं जो कहूँगा वो मेरे पास होगा यीशु के नाम से। मैं मजबूत हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं आज़ाद हूँ, खुदा का महबूब हूँ, मैं खुदा और बनी नौ इंसान का पसंदीदा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, वो नहीं जो मैं देखता हूँ। मैं एक कीमती बीज हूँ। मैं अपने खुदा के घर में अच्छी ज़मीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने खुदावंद की अदालतों में खजूर के दरख्त की तरह फलता फूलता हूँ। मैं वाफर फल देता हूँ इस मौसम में। मैं खुदावंद में रस और सब्ज़ से भरा हुआ हूँ, और बुढ़ापे में भी मैं ताज़ा और फलता फूलता रहूँगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है, और मैं यीशु के नाम पर जो कुछ भी करता हूँ, चीज़ें हमेशा यीशु के नाम पर मेरे लिए काम कर रही हैं। मैं मसीह यीशु में हर रूहानी बरकत का वसूल कुनंदा हूँ। मैं एक रूह हूँ, मेरी रूह एक रूह है। मेरी रूह और मेरी रूह एक जिस्मानी जिस्म में रहते हैं। मेरी रूह का हुक्म देता है। मेरी रूह सुनती है, वसूल करती है, मेरे जिस्म को हदायत देती है और मेरा जिस्म अतात करता है। यीशु के नाम पर मैं अपने जिस्म से बात करता हूँ। खुदा की नाकाबिले तस्खीर ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में हमेशा वाज़े और ज़ाहिर होती है। मैं अपने जिस्म की हर तफसील से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने जहन से मसीह के जहन की तरह कामिल होने के लिए कहता हूँ, और मैं आपको खुदा के कलाम के मुताबिक होने का हुक्म देता हूँ। मैं अपने टेंडेंस और आसाब से ज़िंदगी बोलता हूँ। मैं अपने पट्टों और लिगामेंट से ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से ज़िंदगी की बात करता हूँ। मैं आम वेंटिलेशन और परफ्यूजन तनासुब को बरकरार रखने के लिए अपने फेफड़ों और टिश्यूज़ से बात करता हूँ। मैं अपने गुर्दों, जिगर और लुबलुबे से कमाल बात करता हूँ। मेरे खून के हर खलिए में ज़िंदगी है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज सीत में और मजबूत हैं। मेरी उंगलियाँ बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। मेरी आँखें वाज़े और बिल्कुल अच्छी तरह देखती हैं, और मेरे कान बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मेरी जिल्द हमवार है, एक नए पैदा होने वाले बच्चे और खुदा की खूबसूरती के तौर पर सेहतमंद। मैं अपने बालों को
जगह पर रहने का हुक्म देता हूँ और जहाँ नमू की जरूरत होती है मैं अपने फोड़ों में नमू जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ, आसाब और खून की फरहमी सब सेहतमंद, मजबूत और कामिल हैं। मेरे तमाम हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ कामिल हमहंगी में हैं और अपने कामों को आम तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मेरा निज़ाम इंजहाम तमाम गजाएं हजम करने, जज्ब करने और इंजमाम करने के काबिल है और मेटाबॉलिक फजले की मसनूआत बाकायदगी से खारिज होती हैं। मेरा तौलीदी निज़ाम काफ़ी मकदार में और अच्छी नकल हरकत के स्पर्म्स पैदा और जमा कर रहा है। मेरा तौलीदी निज़ाम बरवक्त अंडे के खलिये पैदा कर रहा है। पैदाइश तक जिनीन की हिफाजत और परवरिश कर रहा है। मेरे जिस्म का हर आज़ू, हर टिशू इस कमाल के साथ काम करता है जिसके लिए खुदा ने इसे तख्लीक किया है और मैं यीशु के नाम पर अपने जिस्म में किसी भी खराबी और बेतरतीबी को मना करता हूँ। मेरी पूरी इंसानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मसीह यीशु के जलाल में कामिल है। हालेलुया, आमीन। खुदा का बाप मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का बेटा मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। खुदा का रूह मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ। शालोम।